हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, उसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है C++ डेटा टाइप्स एंड टाइप कास्टिंग। डेटा टाइप्स क्या होती हैं? डिफाइंस अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दैट वैल्यूज, उसको हम कहते हैं डेटा टाइप्स। अब कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं जो हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के तौर पर यूज करते हैं, वो बेसिकली 3 हैं। सबसे पहले है इंटीजर। इंटीजर में हम न्यूमेरिक वेरिएबल स्टोर करते हैं टू स्टोर होल नंबर्स, जिसमें 3, 0, 6, 7 ये 4 बाइट मेमोरी में प्लेस लेता है, याद रखना है 4 बाइट्स। और शॉर्ट अगर लगा दें तो इट मींस कि ये 2 बाइट लेगा। फ्लोटिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? जिसमें हम फ्रैक्शनल पार्ट को स्टोर करते हैं, जिसमें 3.75 फ्लोट मेमोरी में 4 बाइट लेता है, डबल 8 बाइट लेता है। करेक्टर जो होता है उसमें हम सिर्फ सिंगल करेक्टर को स्टोर करते हैं, और करेक्टर को हम हमेशा सिंगल कोटेशन के साथ लिखते हैं, जिस तरह ये 5 लिखा है सिंगल कोटेशन। अब ये एक इंटीजर नहीं, ये एक करेक्टर है, क्योंकि इसके ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हमने डाल दिए हैं। और करेक्टर को हमेशा इस तरह लिखते हैं CHAR, यानी आप जब कोई भी डिक्लेयर करेंगे हम वेरिएबल, मैंने लिखा करेक्टर ग्रेट इक्वल टू A और A के ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, तो वो करेक्टर बन जाएगा। और ये एक 1 बाइट मेमोरी में जगह लेता है, याद रखना है 1 बाइट। कांस्टेंट क्वालिफायर क्या होते हैं? डिफाइंस अ वेरिएबल हूज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम कांस्टेंट क्वालिफायर कहते हैं। इसका सिंटैक्स ये है कि कांस्टेंट लिखा, डाटा टाइप लिखा इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। एग्जांपल क्या है? कांस्टेंट इंट ए 34। अब ये थ्रू आउट द प्रोग्राम हम इसको चेंज नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। अब उसके बाद है टाइप कास्टिंग। बेसिकली टाइप कास्टिंग क्या होती है कि अभी हमने डाटा टाइप्स पढ़ी, इंटीजर, फ्लोट और करेक्टर। जब एक डाटा टाइप से हम दूसरी डाटा टाइप में जाते हैं तो हम उसको टाइप कास्टिंग कहते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। सब इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है? इसमें ऑटोमेटिकली C++ कंपाइलर लोअर डाटा टाइप को हायर डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। अपेरेंट्स क्या होते हैं? मतलब अभी एक्स और वाई है, ये अपेरेंट्स हैं, और ये जो प्लस है ये ऑपरेटर है जो इन 2 वैल्यूज को प्लस कर रहा है। अब लेट अस सपोज हमने एक्स लिया इंटीजर टाइप का, वाई लिया फ्लोट टाइप का। जब हमने दोनों को ऐड किया तो आंसर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया फ्लोट में। यानी ये आप फ्लो चार्ट से देख लें, लोअर डाटा टाइप से हम हायर डाटा टाइप की तरफ जा रहे होते हैं। करेक्टर इंट से लॉन्ग, लॉन्ग से फ्लोट, फ्लोट से डबल, फिर लॉन्ग डबल, यानी जब हम लोअर से हायस्ट की तरफ ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाती है उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। जबकि एप्लिसिट टाइप कास्टिंग में प्रोग्रामर को बताना पड़ता है कि वो एप्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर रहा है, और उसके लिए वो कोई कास्ट ऑपरेटर यूज करता है, जिस तरह ये टाइप और एक्सप्रेशन। अब एग्जांपल इसकी है कि हम फर्ज करें ये 2 वेरिएबल लिए एक्स और वाई, 2 वेरिएबल्स हैं। ए की वैल्यू हमने ली 10.3, ए की वैल्यू हमने ली 5.2। अब हम दोनों का रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं, मतलब इसे मॉडुलस ऑपरेटर हमने यूज किया, एक एक्सप्रेशन बना लिया है। अब देखें प्रोग्रामर यहां पर एप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर रहा है, उसने यहां ये लिख दिया इंट एक्स और इंट वाई, इट मीन्स कि वो एप्लिसिट टाइप कास्ट करना चाह रहा है। अब 10.3 नहीं, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 10 और वाई की वैल्यू क्या आ गई 5, आंसर क्या आ गया 0। ये जो साइन है ये रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं, इसको मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं, यानी आपने टाइप मस्ट बतानी है। तो ये है एप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जिसमें यूजर को, जिसमें प्रोग्रामर को बताना पड़ता है कि वो एप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसी तरह अगले लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।